होती है। कानपुर में पुलिस पर हुए हमले को लेकर अब योगी सरकार बैकफुट पर है। तमाम विपक्षी पार्टियां अब सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। सब के सब सरकार से पूछ रहे हैं कि कहां गया वो एनकाउंटर का खौफ जिससे अपराधी योगी पुलिस के नाम से डरते थे। आज यूपी में अपराधी बेखौफ हैं, जनता तो छोड़िए, योगी राज में अब पुलिस को खुद सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने वाली है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर कहां कमी रह गई, कौन गद्दार निकल गया कि पुलिस के मूवमेंट की खबर कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पहले से पहुंचा दिया। अगर एक सीक्रेट मिशन के तहत विकास की गिरफ्तारी होनी थी तो आखिर इस मिशन की भनक विकास को कैसे लगी, सवाल तमाम है। लेकिन पुलिस महकमे के पास अभी कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है। खैर, अब विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं। योगी सरकार पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर मांग किया गया है, रोगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश बने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश के दौरान सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा हमले में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद, अत्यंत दुखद, आत्मा को शांति दे भगवान, शोक कुल परिजनों के प्रति संवेदना, 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का हो ऐलान, सत्ता कनेक्शन का हो पर्दाफाश। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कानपुर की दुखद घटना में पुलिस के 8 वीरों की शहादत को श्रद्धांजलि, उत्तर प्रदेश के आपराधिक जगत की इस सबसे शर्मनाक घटना में सत्ताधारियों और अपराधियों की मिलीभगत का खामियाजा, कर्तव्य निष्ठा पुलिस कर्मियों को भुगतना पड़ा है, अपराधियों को जिंदा पकड़कर वर्तमान सत्ता का भंडाफोड़ होना चाहिए। अखिलेश यही नहीं थमे, अपने अगले ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी पोल पट्टी खुलने के डर से आनन फानन में मुख्य अपराधी को ना पकड़कर छोटे मोटे मुठभेड़ दिखाने का नाटक करवा रही है, इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल और गिरेगा तथा पुलिस का आक्रोश भी बढ़ेगा, सरकार तुरंत मुआवजा घोषित करे और परिजनों को हर संभव संरक्षण दे, निंदनीय। अखिलेश के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार को कानपुर वाले मुद्दे पर आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि कानपुर की भयावह घटना की खबर आई थी कि प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, गाजियाबाद में पिता पुत्री की हत्या कर दी गई, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इस तरह हावी हो जाना असामान्य है, इस जंगल राज को देखते हुए जवाबदेही तो फिक्स करनी ही होगी। आने वाले समय में कानपुर पुलिस हत्याकांड का मुद्दा कितना तूल पकड़ेगा और इस पर सरकार को क्या कामयाबी मिलेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल सरकार के पास विपक्षियों के सवालों का जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।